देखिए, अब भले ही चुनाव के तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन चुनावी मूड में उत्तर प्रदेश आ चुका है। रोजाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 सभाएं करते हैं, लोकार्पण लगातार वो तमाम जिलों में वो कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी भले ही एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, भले ही इंडी गठबंधन में उनका सीटों का समझौता हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर उसका असर दिखता नहीं दिख रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग मौजूद है, चूंकि चुनावी मूड में अभी से ही उत्तर प्रदेश आ चुका है, क्या कहेंगे आप 3 बजे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? कुल मिलाकर के मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे हैं और पूरे भारत को पूरे विश्व के अंदर एक उसकी एक अलग छाप और एक अलग गरिमा का स्थान दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पर विपक्ष अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं। मैं पहली बार कहने जा रहा हूं कि सारे विपक्ष को भी इस बात का एहसास हो गया है कि जीतना तो दूर, अपना अस्तित्व बचाना यही बहुत है। अस्तित्व बचाना बहुत। आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं आज इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा घर जो है कुशीनगर जनपद में, तो हमको ही राज्य विधानसभा 331 है। मेरा जो है मंडल गोरखपुर है। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी साहब को प्रणाम करता हूँ। रह गई बात चुनावी मूड की, आप बात सुन रहे हैं, तो हमारे देखने से पूरे भारत में कहीं जो है विपक्ष दिखाई नहीं देता है, विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये लहर जो है बहुत भयंकर लहर है। इस लहर में जितने विपक्षी हैं सब गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। इनको अपनी अस्तुत बचानी बड़ी भारी पड़ जाएगी। ये कहीं के नहीं रह गए, ना घर के ना घाट के। इतनी तगड़ी लहर है कि इसी में सब उड़ जाएंगे। आपकी मोदी लहर की आप बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो तारीखों का चुनाव का ऐलान होना है वो आज ही हो जाना है, कुछ घंटे बाद हो जाना है, आप क्या कहते हैं? देखो, चुनावी प्रक्रिया तो महज औपचारिकता है। देश की जनता मूड बना चुकी है। पिछले 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री ने जो देश का गौरव मान सम्मान बढ़ाया है, इसके बाद चुनावी ये सब प्रत्याशी लगे हुए हैं। कोई प्रत्याशी पूछा जाए किसी अन्य दल से, उसका प्रत्याशी मनोभाव से लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, ये औचित्य है कि थोड़ी बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः सरकार फिर बनेगी, ऐसा विश्वास है। ये बताइए, जिस तरीके से राहुल गांधी अखिलेश यादव एक प्लेटफॉर्म पे उत्तर प्रदेश में आए, इसका कुछ असर ग्राउंड जीरो पर आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, देश की जनता बड़ी जागरूक है और उन्होंने बड़ा डीपली देखा कि हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा नेता आया है हमारे देश के अंदर जिसने देश के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान से लेकर के कल कारखाने और बड़े बड़े उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए जो काम किया है, जिस प्रकार से गरीबी की दलदल से और भुखमरी के कागार से जो लोगों को उबार करके उन्होंने ऊपर लाने का काम किया है, इससे पूरे देश की जनता अब ये चाहे जितना गठबंधन कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रथ को कोई रोक नहीं पाएगा। 80 में से कितनी सीटें आप देखते हैं? देखिए, हमको तो अनुमान है कि 80 में से 78 सीटें आ सकती है, 78 बीजेपी को एनडीए के पास। अब रह गई आप जो राहुल गांधी और आदरणीय जो अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, हमको देखने में तो जो पीडी लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, मात्र वो दिखावा है। उनको आप 80 में से कितना सीटें देते हैं? देखिए, 80 में से 80 सीटें आने का पूरा अनुमान हो गया है मुझे, क्योंकि 80 में से कितना सीटें? 80 में 80 सीटें, और मान लीजिए पहले गठबंधन यूपी के लड़के, फिर बुआ भतीजे, अब पुनः फिर आए हैं। चाणक्य ने कहा था जब विपक्ष इकट्ठा हो जाए, मान लो नेता आपका ईमानदार है। आप 80 में से कितनी सीटें देते हैं? 80 में से 74-75 सीटें कंफर्म है बीजेपी की, 74-75 सीट लेके। तो जितने भी लोग हैं उनका कईयों का ये मानना है कि 80 में से 80 पूरे एनडीए के पास जाएगा, बीजेपी के पास जाएगा। कई ये कह रहे हैं 75-76 जाएगा, कई कहते हैं 78, यानी जो 80 लोकसभा सीटें हैं इसमें से 75+ जो है वो एनडीए के खाते में जाने वाला है, और चुनाव बस मोदी बनाम विपक्ष से है, ये साफ साफ यहाँ लखनऊ के लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लखनऊ।